और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धुआंधार चुनाव प्रचार की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिरोजाबाद आज पहुंचेंगे, साथ ही साथ औरैया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उनकी रैली होनी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे, वोट की अपील दरअसल वो करते हुए नजर आएंगे। दो चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो प्रचार का जो शोर है, बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार के सिलसिले में जुड़ी हुई है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी, मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे फिरोजाबाद चुनाव प्रचार के लिए? बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि जैसा कि आज फिरोजाबाद में योगी आदित्यनाथ का आगमन है और ये जो यहाँ का सिलेक्ट इंटर कॉलेज है, इसमें जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो मंच है वो बनाया गया है, वीवीआईपी मंच है, जिस पर विशाल जनसभा योगी आदित्यनाथ द्वारा होनी है। और इसमें मंच पे जो मुख्य चेहरे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ में योगी जी का चेहरा है, और उसके बाद में जो तीसरा चेहरा है वो है ठाकुर विश्वदीप सिंह, जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी है, जिनको लेकर के बीजेपी के द्वारा एक आज जनसभा होनी है। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी एक छोटे किसी व्यक्ति का और यहाँ पर अगर कोई फोटो लगता है तो अन्य जो लोग हैं वो नाराजगी होती है, उसी की जो संतुष्ट करने के लिए एक दूसरा मंच और बनाया गया है, जिसे वीवीआईपी मंच के नाम से बनाया है। और इसमें तमाम जो लोकल स्तर की लॉबियां हैं वो यहाँ पर बैठेंगी, जो कार्यकर्ता हैं वो बैठेंगे, और जो बाहर से आने वाले जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के लिए मंच बनाया गया है। साथ ही मैं दूसरी तरफ अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो कुर्सियां डली हुई हैं कि उन लोगों के लिए डाली गई हैं, जो बाहर से जो लोग आने हैं और सुनने के लिए जो आप यहाँ पर आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कहीं कोई फिरोजाबाद में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि विगत अभी 10 दिन पूर्व ही भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप के नाम का ऐलान हुआ था, जिसको लेकर तमाम लोग कुछ नाराजगी भी थी, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक भी आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और लोगों के साथ अपने विचार रखे और लोगों को मनाने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ भी फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग रूठे हैं और जो नाराज चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मनाने का काम किया जाएगा। जी रितु, बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक आप जानकारी दे रहे हैं, और क्योंकि फिरोजाबाद सीट पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं, दो चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही हैं ये बता रही कि किस तरीके से इससे कहीं ना कहीं जो जनता के बीच जाने का जो सिलसिला है, जनता के बीच तमाम मुद्दों को पहुंचाने का सिलसिला है, वो लगातार बीजेपी खेमे में जारी है। बिल्कुल, जैसा कि हम बता दें कि देखिए दो चरणों का मतदान हो चुका है, और पिछले अगर दो चरणों के मतदान की हम बात करें तो जिसमें कल भी कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, वोटर निकल करके नहीं आ पा रहे हैं, और पिछले पहले चरण के अगर मतदान की बात करें तो पहले चरण के मतदान में भी यही हुआ था कि वहां पर वोटर नहीं निकले, तो जिसको लेकर के काफी जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उनके भी जो लकीरें साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो वोटर नहीं निकल पा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं आगामी समय में प्रभाव पड़ जाएगा। और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार अपने लगा हुआ है और लोगों को ये अपील कर रहा है